एएओ का जो फॉर्म फिलअप है वो कैसे करेंगे, आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें सारे टिप्स दिए हुए हैं कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हो। चलिए फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ ज्योति फ्रॉम जीरो टू प्लेसमेंट, यहाँ पे हर एक चीजों का अपडेट दिया जाता है। और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एलआईसी का जैसे ही आप प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपका खुल जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये एलआईसी का हमारा प्लेटफॉर्म खुल गया है। इसके जो लिंक है वो हमको बता देंगे। इसके यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे करियर पे डिपेंड करते हो तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे दिख रहा है, जैसे इसे क्लिक कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपका यहाँ पे नंबर और पासवर्ड देखिए सबमिट करके ऑन करिएगा। अगर आप न्यू पासवर्ड है तो न्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे कन्फर्म अपना नाम देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वही मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिए, नहीं है तो स्किप करके आप लास्ट नेम मतलब आपका सर नेम आपको यहाँ देना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे फुल नेम पड़ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना होगा, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव अगर मोबाइल नंबर है तो दीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है, डोमेन नेम आपका यहाँ दिया हुआ है जो है आप वो दे सकते हो। उसके बाद कन्फर्म करिएगा अपना ईमेल को, सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ वो दे के आपको नेक्स्ट करना है। देखिए मेरा यहाँ पे एड्रेस जनरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ क्या करना है, अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फोटो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि फोटो यहाँ पे एक 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे और इसमें ब्लॉक लेटर का आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फोटो को अपलोड करते हैं। तो ऐसे ही करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमारा फोटो अपलोड हो गया, अब हम लोग अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे डालना है, आप एससी हो, एसटी हो या यूआरएल है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है आप उसको वो देना है। तो मैंने यहाँ पे यूआर दिया था जनरल कैटेगरी। उसके बाद मेरे कोई मैंने डिसेबिलिटी नहीं है तो नो क्लिक किया, आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं है तो नो क्लिक करेगा, स्किप करके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी दीजिए, अपना हिंदू जो कास्ट है वो कास्ट आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखना है कि आपको यू जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है स्टेट आप कहाँ लेना चाहते हो। अगर आप एलआईसी के मेंबर हो तो यस करो, नहीं है तो आप नो करके आगे जा सकते हो। कौन से स्टेट से हो तो वो स्टेट आपको, कौन से स्टेट में आपको एग्जाम लेना है वो एग्जाम आपको देना, वो स्टेट देना है। फिर आपको मेंस एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे करके आप नेक्स्ट चलिएगा। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मंथ ईयर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका डेट यहाँ पे आ जाएगा, आपका कितना ईयर हुआ। उसके बाद जेंडर आपको देना है, आपके पास कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर है यस और नो पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नो पे, अगर है तो यस क्लिक के आपको नाम लिखना है, वो मेल है या फीमेल वो लिखना है। आपके मतलब आप वीडियो हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो वो देना है। उसके बाद अपने पापा नाम, फादर नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा डालना है। अगर सेम है तो सेम डालिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आपको डालना है। उसके बाद आपके पास जीएसटी है परमानेंट, आपको कहाँ वॉइस भेजा जाएगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। देखिए मेरा फॉर्म का दाम 826 दे रहा है जनरल कैटेगरी का। उसके बाद हमको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव और नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिग्री का डिटेल्स डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद यहाँ पे अभी आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालना है। अगर आपको कौन से लैंग्वेज आपको पता है, वो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपको पता है वो तीन लैंग्वेज आपको यहाँ देना है। आपको उसमें पढ़ने आता है, लिखने आता है या बोलने आता है तो वो उसमें आपको टिक करना है, नहीं आता है उसको नहीं टिक कीजिएगा और नेक्स्ट में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेव नेक्स्ट में क्लिक करिए, देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट जाके आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ओके डबल क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे जमा करना है। तो चलिए हम लोग थंब इम्प्रेशन को डाल देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि थंब इम्प्रेशन को डालना पड़ेगा और यहाँ पर डिक्लेरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि यही आपको लिखना है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे मतलब अपना कैप्चर डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हो तो अब हम आपका पेमेंट का टाइम आ गया है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है तो क्या करेगा, जो देखिए पेमेंट दिख रहा है जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट में क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में आप क्लिक करते हो तो उसके बाद ऐसा बटन है ओके क्लिक करिएगा। देखिए हमारा पेमेंट का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, अब आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।